सीनियर सहाफ़ी और मरूफ एंकर पर्सन आसमा शराजी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम मुआफ़ी देने की तजवीज़ पर कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर का आगाज़ हो चुका है। ताज़ा दम दहशतगर्द आइन और रियासत मुखालिफ बयानियों के साथ पूरी शिद्दत से हमला आवर हैं, जबकि हमने मुज़ाकरात की पोजीशन में आने का फैसला किया है। हम रियासत और आइन को चैलेंज करने वालों की तरफ जैतून की शाख पेश कर रहे हैं, जबकि जवाब में नफी का कलमा जीती हुई कौम के हौसले और जज्बे को पस्त कर रहा है। शहीद बच्चों के माँ बाप हों या 80,000 खून में डूबी लाशें, रियासत से सवाल कर रही हैं कि कैसे मुज़ाकरात और किस मुँह से किए जाएंगे। क्या हमारी फ़ौज चंद हज़ार दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती या इस बेबसी की वजह कुछ और है? बीबीसी के लिए अपने ताज़ा सियासी तज़िये में आसमा शराजी कहती हैं कि अब बच्चों से डरने वाले बड़े दुश्मन से मुज़ाकरात कौन कर रहा है और किसकी इजाज़त से किए जा रहे हैं? इस मामले पर हमारी पार्लियामेंट कहाँ है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी? सबसे बढ़कर हमारी लड़ने और जान देने वाली फ़ौज ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आसमा शराजी कहती हैं कि फरेब की खूबसूरती ये होती है कि वह खुद फरेबी का शिकार रहता है, अपने अक्स में डूबकर अपनी ही ज़ात का हिस्सा बनता है, खुद बिनाई को असल कामयाबी समझ लेता है, ये समझे बिना कि हकीकत कहीं दूर इस पर मुस्कुरा रही है। वो कहती हैं कि हमारे मौजूदा निज़ाम का मामला भी यही है। ये निज़ाम जिसके साथ हाइब्रिड का साबिका लगा है, फ्रेब और खुद फरेबी की आला मिसाल है। कारसाजों ने कारखानों में बुत तराशे, फिर उन बुतों में जान डाली, फिर उनको लंबी जुबानें छोटे दिमाग दिए, अल्फाज को इल्ज़ाम और सवाल को बहतान बनाया गया। शबाना रोज़ मेहनत से ऐसे चेहरे तख्लीक किए गए कि जिनके पीछे कई चेहरे छुपे थे। ऐसा निज़ाम बनाया गया कि जिसका असल रुख सब जानते हैं, पहचानते हैं, मगर निज़ाम बनाने वाले खुद फरेबी का शिकार हैं कि पहचाने तो सिर्फ पुराने ही गए हैं। आसमा शराजी कहती हैं कि बुरा हो उस बयानी का जो महज बयान के लिए दिया गया, बदउनवानी के खिलाफ बदउनवान, बदजुबानी के खिलाफ बदजुबान, बदगुमानी के खिलाफ बदगुमानों को ही महकमे सौंपे गए। वो कहती हैं कि इनसे पहले वाले भी कोई पारसा नहीं थे, मगर पारसाई का जो ढोंग अब की बार रचाया गया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। हर दौर के एतबार से उस दौर के मुताबिक रहनुमा सिर्फ राहजनों में ढूंढे जाते रहे और बदउनवानी का जो उनवान अरबाब इख्तियार लिखते रहे, वक्त के अक्सर लिखारी दरबान बनकर वही तहरीर करते रहे। अभी कल ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 50 साल पुरानी तकरीर का एक टुकड़ा निकाला गया, जिसमें उस वक्त के टूटे फूटे शिकस्ता पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और महंगाई की दलील पेश कर रहे थे। यहाँ इस क्लिप को यूं पेश किया जा रहा था कि गुज़िश्ता पाकिस्तान भी ऐसा ही था। बहरहाल दलील मुस्तनद शख्सियत की चाहिए थी, सो भुट्टो साहब को इस काबिल समझ लिया गया, वरना जनरल अयूब खान की मोहब्बत में मौजूदा वज़ीर आज़म क्या कुछ नहीं फरमाते। आसिमा शराजी कहती हैं कि इस निज़ाम की तश्कील में जिन अनासिर को शामिल किया गया वो तो बयान हो चुके, मगर असल बात यह है कि समझा यह जा रहा है कि मौजूदा हुक्मरान महज नारों, करप्शन के इल्जामात और बहुतान तराजी से वक्त गुजार लेंगे। ये मालूम ना था कि महज बातों से कले फतह होते तो फौजों की जरूरत महसूस ना होती। गुज़िश्ता 3 सालों में एक से बढ़कर एक स्कैंडल इस हुकूमत से वाबस्ता हो चुका है। चीनी, आटा, अद्वियात, बिजली और जरूरियात की हर शय पहुंच से बहुत दूर चीख चीख कर निजाम के गिरने की पेशगोई कर रही है। रोटी को तरसने वाले अवाम अब पेट से आगे कुछ सोचने को तैयार नहीं और ना ही किसी बयानी में दिलचस्पी रखते हैं। इस बे इख्तलाफ अपनी जिद लगाकर बैठी है कि अवाम अपना शौक पूरा कर लें। अवाम में मौजूद गम और गुस्सा किसी भी इंतशार का सबब बन सकता है और यहाँ खुद फरेबी में मुब्तला अरबाब इख्तियार जाने किस मनसूबाबंदी के मराहिल में है। आसिमा शराजी कहती हैं कि जनाब, हर महाज पर कौम मायूस हो रही है, आग दामन को लगे तो तपिश सीने तक पहुँचती है। खुद फरेबी और फरेब से निकलिए और गली महल्लों और कूचों में जाइए, देखिए कि अवाम में किस तरह का गुस्सा पनप रहा है। इस गुस्से को कोई राह ना मिली तो इंतशार फैल सकता है, फिर ना कारसाज बचेंगे ना कारखानों के बुत। निज़ाम अपने वजन से ही गिर गया तो फिर इसे कौन बचा पाएगा? YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।